सारा निकाला और यहाँ से थोड़ा सारा पानी इधर से कम किया, फिर नहीं ठीक है, हम तो आपको कॉपरेट करेंगे जो भी आप ये नहीं हमको परेशानी दिखा परेशानी दिख रही है। हाँ हाँ लोगों की परेशानी दिख रही है। मंजू चौहान, हाँ जी, क्या क्या दिक्कत हो रही है, कितना कब से? हमारे दो बेड खराब हो गए, उनके कपड़े सारे खराब हो गए, गाड़ी में भी पानी भर गया, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं छोटे बच्चों को लेके, बहुत परेशानी बहुत दिक्कत होती है। जब जब बारिश होती है तब तो डर लगता है, बहुत डर लगता है, नींद भी नहीं आती, दो रात ऐसे ही बैठे रहते हैं छोटे बच्चों को लेके, 8 महीने की बच्ची है अभी हमारी, तो इसलिए गाड़ी हमारी खराब, स्कूटी हमारी खराब, कुछ नहीं है, कोई देखने भी नहीं आ रहा, कोई कुछ करने भी नहीं आ रहा, बोट लेने तुरंत आते हैं, वैसे कोई देखने भी नहीं आ रहा। सीता देवी, बारिश की वजह से कितने दिनों से पानी यहाँ रुका हुआ है, आप घरों में घुस रहा, कितना नुकसान? कम से कम महीने भर ऐसे रुका है पानी, तो 1 महीना हो गए पानी रुकते रुकते, यहाँ परेशान हो गए, घरों में न खाना पीने की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी, कपड़े सारे वैसे, यहाँ अंदर बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही, नुकसान काफी हो गया, काफी हो गया नुकसान। किसी ने सुधरी है? नहीं आया कोई, ना कोई नहीं, कोई नहीं आया अभी। गंगानगर में रहती हूँ, गली नंबर 8 में, आप ये देख लीजिए, हम लोगों का इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर हम किसी को जिसको भी फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ है, अब हम किसी को वोट नहीं देंगे, दैट्स इट, बस हम यही बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरी पूरी रात खाने नहीं खाए हैं, हम ऊपर ले सोए नहीं, खाना नहीं खाया, मेरे हस्बैंड को शुगर है, शुगर की टेबलेट खाने के बाद जब देखा कि इतनी बाढ़ आ गई, ऐसे ही बैठे रहे हम लोग ऊपर, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गंगानगर में जो है यहाँ पर, यहाँ की सुध लेने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, जनता अपने पैसों में खरीद खरीद कर वाटर पंप लेके आ रही है। ये सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप दिखा दीजिए इन सबकी शक्ल, मोहल्ले में डंग प्लॉटिंग में मैं खड़ा हूँ, पॉर्च कॉलोनी कही जाती है, बगल में नेहा कक्कड़ जी का आवास भी है, सिंगर है बहुत बड़ी, और वहाँ पर भी ये स्थिति है कि लोग अपने पैसों में मोटर खरीद कर पैसे अभी लेकर आए हैं, बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं, 33,000 रुपये इकट्ठे करते फिर रहे हैं। ये स्थिति है कि प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। अभी आपने गली नंबर 8 में देखा, गली नंबर 8 में भी यही स्थिति है, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कोई भी मुआवजे के तौर पे हम उनके कोई भी ना कोई तहसीलदार आया ना कोई आया, तो सामग्री भी कुछ नहीं बचा, राह सामग्री भी जीरो। अब अपने घरों में अब देख सकते हैं आप, पीछे मेरे घर देखिए, घर है 3-4, 2.5 से 3 फुट पानी में लगभग डूबे हुए हैं, और अभी भी उनके भी अगर खाना खाने भी मतलब लेने भी जाना है तो बेचारे डूब के जा रहे हैं उस पानी में से, और ये अभी की स्थिति नहीं है, ये पिछले 10-15 दिनों से, पहले बारिश आई तब से ही पानी भरा हुआ है। मैं अपने निजी घर से भी अपने साथियों को बोलकर भी मैं 2-3 बार पानी निकलवा चुका हूँ, और उसके बाद भी यहाँ पानी की निकासी ना होने के कारण, क्योंकि सड़क ही नहीं है, सीवर लाइन है तो सीवर लाइन में सीवर लाइन जोड़ने वाला, कुल मिला के ये जो गंगानगर का वार्ड है ये लवारिस वार्ड, मैं कहूँगा कि लवारिस वार्ड है, इसको कोई भी इसकी सुध लेने वाला यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता। बड़ी हैं, खड़ी हैं, 6-6 इंच के पाइप डले हुए हैं सीवरों में, सीवर भी कितना लोड लेंगे, सीवर भी फुल चल रहे हैं इसी कारण से, बेचारे जो हम जन हम उनकी झूठी नहीं बोलेंगे, जो हमारे जो ये जल निगम वाले जो है बंसल जी, उन बेचारे रात रात को 1 बजे तक हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके हमें हमसे उनकी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नीचे धरती के तो सीवर इसलिए ओवरफ्लो भी हो सकते हैं। सिस्टम टूर इतना फेल है, कहीं रोड ऊँची है कहीं नीची है, कोई बना रोड बनाने का भी सिस्टम से रोड नहीं बनी हुई है, जिससे ढलान में पानी भर रहा है। नगर निगम की कार्यशैली तो सिर्फ यही रह चुकी है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो लोग काम कर रहे हैं, और उनके पास ना बजट है ना उनके पास मेरे को लगता है टीम है कि जो पूरे शहर की इस नगर निगम को इस त्रासदी को संभाल सके।